तो दोस्तों क्या हाल चाल, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, यानी कि अभी 2-3 घंटे पहले जो वीडियोस पब्लिश किए थे तो वहां पे बोला था कि अगर कुछ मुझे लेटेस्ट न्यूज या तो टीम से रिलेटेड कुछ मुझे अच्छा लगता है, यानी कि कुछ अलग टीम जो कि क्रिएट होती है बहुत सोचने और समझने के बाद, यानी कि इतना लंबा टाइम आपका नहीं ले सकता कि आधा घंटे बाद मैं मैथ ही कैलकुलेटर करते रहूं वहां पे रन स्ट्राइक रेट रन रेट यहाँ पे सारे प्लेयर का, तो इसलिए मैं नहीं करता भाई, डायरेक्टली आपको टीम दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि अदर वीडियोज अदर चैनल पर जो कि वीडियो बनती है कि भाई वहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो इसलिए भाई मैंने सारा कुछ कैलकुलेट किया रन रेट स्ट्राइक रेट। तो उस प्रकार से यहाँ पे मैंने जो कि 2-3 टीम जो कि बनाई है भाई खुद के लिए और कॉन्टेस्ट वहीं पे ज्वाइन करने वाला हूँ और कुछ ज्यादा चेंजमेंट होने वाला नहीं जहां तक आज की टीम है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियोस को, अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम एमडी दिलसाद। तो यहाँ पे फर्स्ट टीम जो कि हमारी क्रिएट होती है भाई अगर जो कि यहाँ पे पंजाब बैटिंग करती है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता कल भाई कितना अलग मैच हुआ, उसी हिसाब से मैंने बहुत कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शन निकाला कि किस प्रकार से जो कि अपना स्किल लगाएं और अच्छी टीम को यानी कि क्रिएट करें और उसके बाद जो कि रैंक कराएं, ओके। तो यहाँ पे 2-4 जो कि टीमें आपको सजेस्ट करूंगा और खुद मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा और अच्छा खासा आज के मैच में जो कि पैसा वन करने वाले हैं, विन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, केएल राहुल को अगर पंजाब बैटिंग करती है तो भाई केएल राहुल को लेना है और जो कि यहाँ पे हम डिकॉक को मिस करना है और यहाँ पे हम लेते हैं ईशान किशन को, ठीक है, क्योंकि ईशान किशन जो कि भाई दूसरे नंबर की बैटिंग करते हैं यानी कि रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक के बाद कभी कभी इनको बाद में भेजा जाता है, तो इसलिए हम ईशान किशन को लेते हैं क्योंकि इनके ज्यादा चांसेस होते हैं भाई फर्स्ट टाइम यानी कि पहले बैटिंग करने का और लास्ट में, ओके। और यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो भाई रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो कि यहाँ पे हम दो बैट्समैन जो कि लेंगे मुंबई इंडियंस के। अगर भाई यहाँ पे पंजाब पहले बैटिंग करती है तो भाई ज्यादा रन उस हिसाब से बना नहीं पाएगी जैसे कि कल हुआ था, तो उस हिसाब से हम एक टीम क्रिएट करेंगे यानी कल के थ्रू, जो कि अगर कुछ मिस होता है भाई तो सब टीम भले ही ना जीते हमारी, एक टीम अच्छी खासी जीते यानी कि रैंक अच्छे लाए 2-4 नंबर पे ऐसा करके, तो उसी हिसाब से हम एक टीम क्रिएट करेंगे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को लेंगे। और भाई यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, कायरन पोलार्ड हो गए बहुत ही हार्ड परफॉर्मेंस है, यानी कि जितने भी मैच देखेंगे यानी कि पंजाब वर्सेस तो सारे के सारे रिकॉर्ड यानी कि यहाँ पे कायरन पोलार्ड के हैं, ठीक है, बंदे की काफी अच्छी बॉलिंग है और काफी अच्छी बैटिंग है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कायरन पोलार्ड को। और दीपक हुडा जो कि यहाँ पे 4 ओवर भी कराते हैं भाई और ओवर के साथ साथ यहाँ पे इनको बैटिंग भी मिलती है, तो यहाँ पे ले लेंगे दीपक हुडा को और यहाँ पे एलन को ले लेंगे जो कि काफी ज्यादा भाई आज कुछ करने वाला बंदा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मैच खेल के देखे थे आपको 47 पॉइंट दिया था। और बॉलर की बात करें तो भाई बॉलर जो कि यानी कि हम यहाँ पे लेने वाले मोहम्मद शमी और शाहरुख खान, भाई यहाँ पे शाहरुख खान की भी बात करेंगे, शाहरुख खान को हम लेंगे क्योंकि शाहरुख खान और मुर्गन अश्विन जो कि यहाँ पे ये इनकी खुद की समझ लीजिए घर के बीच, जैसे कि होता नहीं है कि भाई हमारे घर का मैच ऐसा करके, क्योंकि ये वहीं पे खेले हैं ऐसा करके, तो इनको पिच का नॉलेज ज्यादा भाई शाहरुख खान और मुर्गन अश्विन को, तो यहाँ पे हम लेंगे मुर्गन अश्विन को भाई, आज का ज्यादा चांसेस जो कि मुर्गन अश्विन के ऊपर है। और रवि बिश्नोई शायद आ सकते हैं भाई, अगर रवि बिश्नोई आते तो आप ले लीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट टीम मुर्गन अश्विन को लगे और जो कि यहाँ पे लेंगे अर्शदीप सिंह, ठीक है, जो कि हम कुछ अलग टीम बनाने वाले भाई यहाँ पे हम यानी कि ले लेते हैं वो अर्शदीप सिंह को, ठीक है, अगर पंजाब बैटिंग पहले करती है तो इस प्रकार से हमारी टीम हो चुकी है। और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे तो वो बात करता हूँ और आपको बताता हूँ मैं, तो भाई यहाँ पे जो कि इस टीम में हम कैप्टन वाइस कैप्टन यानी कैप्टन केएल राहुल को रख देंगे और वाइस कैप्टन जो कि हम रख देंगे मयंक अग्रवाल को, बैटिंग अगर करते हैं भाई पंजाब तो हम इस प्रकार से टीम को क्रिएट करेंगे। और जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बहुत होते हैं कुछ इस प्रकार से, और जैसे कि मैं बता देता हूँ कि पंजाब जो कि ज्यादा रन चेस करती है, ठीक है, इस पिच में जो कि पंजाब रन बहुत ही ज्यादा चेस करती है और पंजाब के ज्यादा चांसेस हैं इस यानी कि पिच में, ओके। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टीम क्रिएट हो जाती है भाई, काफी पावरफुल टीम है और यहाँ पे हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फर्स्ट टीम कुछ इस प्रकार से होगी जो कि आपको दिख रहा है, केएल राहुल, ईशान किशन जो कि विकेट कीपर और बैट्समैन में रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, सूर्य कुमार यादव, ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड, दीपक हुडा 11 यानी कि एलन, और मोहम्मद शमी, मुर्गन अश्विन, अर्शदीप सिंह, ये हमारे बॉलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई क्योंकि दीपक हुडा को 4 ओवर यानी कि बैटिंग करने का भी यानी कि बॉलिंग करने का मौका मिलता है और बैटिंग करने का भी, तो यहाँ पे हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं भाई, जैसे कि कल के मैच में हुआ था भाई सीएम दुबे कितना अच्छा खेल गया भाई यानी कि मैच चेंजर्स, तो उसी प्रकार से यानी कि या तो एलन या तो कायरन पोलार्ड, ये आज के मैच में भाई या तो दीपक हुडा, ये मैच चेंजर्स होने वाले हैं। तो हमारी कुछ टीम इस प्रकार से रहेगी भाई और कतई यही टीम होने वाली भाई, ठीक है, तो आप लोग नोटिस करिएगा और शायद अभी बस नहीं आते तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा, नहीं तो इसी प्रकार से हमको टीम को रख लेना, ठीक है, पहली टीम हो गई। और दूसरी टीम जो कि हमारे क्लिक करते हैं तो भाई हमारी दूसरी टीम यानी कि अगर मुंबई बैटिंग करती है तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो मुंबई बैटिंग करती है तो भाई हम यहाँ पे लेने वाले हैं केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, और बैट्समैन की बात करें तो रोहित शर्मा, और जो कि यहाँ पे लेते हैं हम, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे शाहरुख खान और मुर्गन अश्विन के भाई उधर का पीछे जैसे कि यानी कि जो है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वहीं पर मतलब ये इनका वहीं पर सारा सिस्टम हुआ है यानी कि खेलने का और सब कुछ, तो इनको ज्यादा भाई नॉलेज है पिच के बारे में, तो यहाँ पे हम शाहरुख खान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सूर्य कुमार यादव को, तो यहाँ पे हम इनको ले लेते हैं। और ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे दीपक हुडा भाई तो रखना ही है हमें हर मैच में, क्योंकि बंदे को भाई ओवर भी मिलते हैं और बैटिंग करने का भी मौका मिलता है। और एफएलएन के जो ले सकते हैं और यहाँ पे ले लेंगे हम, ठीक है, एलन को, और काफी अच्छी बॉलिंग वगैरह आते हैं, और कुणाल पंड्या को ले लेंगे, ओके,
यहाँ पे हम कुणाल पंड्या को इस ऑलराउंडर में रखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से भाई हम कुछ अलग टीम बनाएंगे भाई, और ये वर्किंग होने वाली है इतना मुझे पता है आज के मैच में, और आप लोग भी इस प्रकार से बना सकते हैं। और भाई यहाँ पे लेंगे बॉलर ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, और जो कि यहाँ पे बात करें राहुल चहर कि भाई अगर ए टीम पहले पे हमने लिया यानी कि हरदीप सिंह को और मोहम्मद शमी को और मॉर्गन को, ठीक है, तो वहां पे अगर वो टीम हमारी जो कि डाउन जाती है तो भाई ये टीम हमारी यानी कि अच्छे खासे पॉइंट इंक्रीज करेगी और टीम जो कि हमारी इंक्रीज होगी। यहाँ पे हम यानी कि प्लेयर पे जो कि ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, हम अपनी स्किल पे फोकस करने वाले कल के मैच को देख करके, ओके। तो और भाई यही इस प्रकार के ही मैच होने वाले जो कि अभी तक मुझे लग रहा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे, तो भाई यहाँ पे कैप्टन जो कि जिस प्रकार से बता रहा हूँ अगर बैटिंग जैसे कि कर ली पंजाब ने, तो कल का मैच आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ भाई, मौका ही नहीं मिला। तो इस प्रकार से हमें कैप्टन जो कि क्विंटन डिकॉक और वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को रख सकते हैं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक भाई ओपनर आते हैं और काफी ज्यादा चांसेस है क्विंटन डिकॉक के पास रन मारने को। तो इस प्रकार से यार दूसरी टीम जो कि क्रिएट हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल जो कि मेरी फर्स्ट यानी कि विकेट कीपर हो गए, और बैट्समैन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शाहरुख खान, और ऑलराउंडर दीपक हुडा, एलएन और कृणाल पंड्या, और बॉलर्स की बात करें ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर, और ये हमारी जो कि टीम हो गई दूसरी है भाई। और तीसरी टीम किस प्रकार से सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए भाई, और आपको कुछ लग रहा है कुछ आपका स्किल अलग से लग रहा है तो भाई आप बना सकते हैं टीम को, ठीक है। और भाई यहाँ पे क्रिएट टीम, और यहाँ पे हमें फोकस करना बॉलर पे, ओके, बॉलर पे फोकस करेंगे तभी कुछ तो होने वाला है। तीसरी टीम क्रिएट करेंगे केएल राहुल, और यहाँ पे रोहित शर्मा हो गए हमारे बैट्समैन में, यहाँ पे हम तीनों को अब मिस करने वाले हैं यानी कि क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, निकोलस पुरन को, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा हो गए हमारे, और यहाँ पे मयंक अग्रवाल हो गए, ठीक है, और सूर्य कुमार यादव हो गए, या तो आप हार्दिक पंड्या को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम सूर्य कुमार यादव को लेने वाले हैं, ओके। या तो आप हार्दिक पंड्या को यहाँ पे चिन्हन कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है भाई कि अगर सूर्य कुमार यादव आउट हुआ तो हमारी सारी टीम डाउन हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं हार्दिक पंड्या को, ओके, या तो सूर्य कुमार यादव को रखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, या तो मयंक अग्रवाल हो गए, क्रिस गेल हो गए हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और अब ऑलराउंडर की बात करें तो हमारे ऑलराउंडर यहाँ पे होते हैं भाई, यहाँ पे जाना है ऑलराउंडर पे, जाना है ऑलराउंडर पे हमारे आते हैं, यहाँ पे एलएन को हम लेते हैं और जो कि कुणाल पंड्या को, ठीक है। कुछ अलग टीम यहाँ पे हम बॉलर पे फोकस करने वाले भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे कुणाल पंड्या को लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो बहुत बॉलर भाई हमें यहाँ पे बहुत हार्ड रखना है कि अगर कुछ बॉलिंग पिच यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, अगर बॉलिंग पिच यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे हम कुछ अलग करने वाले, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट हो गए भाई हमारे पास, और राहुल चहर हो गए, ओके, और अब यहाँ पे लेना है हमें जो कि मॉर्गन अश्विन को, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम मॉर्गन अश्विन को ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो कि हमारे नए बॉलर हैं यानी कि कौन है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर बिश्नोई खेलते तो बिश्नोई को आप ले सकते हैं, या तो यहाँ पे हमारे पास अर्शद यानी कि ऑप्शन है सिंह, ठीक है, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, ठीक है। तो ये हमारे जो कि हम यहाँ पे बुमराह को माइनस कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉलर ले रखा है दो, मुंबई इंडियंस के दो बॉलर हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमने पांच जो कि सिलेक्ट किया, ठीक है, पंजाब के तीन और मुंबई इंडियंस के दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुणाल पंड्या है, ओके। तो इस प्रकार से हमारी टीम क्रिएट होगी भाई, यहाँ पे बॉलर जो कि सारा कुछ मानना है, और बैट्समैन हमने दो दो लिए, दो खेले दो दो लेके रखे हैं, क्रिस गेल की जगह पर आप मयंक अग्रवाल को भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर यानी कि ऊपर की टीम नहीं चले तो भाई यहाँ पे हम एलएम काफी अच्छा खेलते हैं भाई, अगर आपको नहीं बता तो बता देता हूँ, यहाँ पे कैप्टन जो कि एलएम को रख सकते हैं, यानी कि सबसे डाउन टीम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाई मैच चेंज जो कि हमारे नीचे के प्लेयर होते हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं बना के रखते भाई, पता कि नहीं आपको ऐसा नहीं बना के रखते कि ऐसे टीम सोच ही नहीं रख पाते, और वही लोग जो कि अगर कुछ कर लेते तो भाई वही लोग जो कि ऐसा बना लेके अपनी टीम को विन करा ले जाते हैं। तो यहाँ पे मॉर्गन अश्विन को बनाने वाले वाइस कैप्टन, ठीक है, और यहाँ पे सेव टीम कर लेते भाई। तो यहीं पे हमारी फाइनल जो टीम क्रिएट हो चुकी है, बता देता हूँ आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा भाई, कतई जहर टीम जो कि मैंने बहुत सोच समझ करके यानी कि सारे पॉइंट कैलकुलेट करके और एक दूसरे के खिलाफ अगर किसका रन रेट स्ट्राइक रेट रहता तो भाई वो सारा कुछ करके मैंने यहाँ पे टीम को क्रिएट किए और कॉपी भी लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको पूरी वीडियो दिखाऊँ 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट की, तो ऐसा नहीं भाई, यहाँ पे डायरेक्ट सजेस्ट, यानी कि विकेट कीपर हो गए हमारे केएल राहुल, और बैट्समैन रोहित शर्मा, क्रिस गेल, सूर्य कुमार यादव, या तो और कैप्टन हमारे हो गए एफ एलएन जो कि हैं, और कुणाल पंड्या ऑलराउंडर में आते हैं, और बॉलर मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट, मॉर्गन अश्विन, राहुल चहर, हरदीप सिंह, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बॉलर हो गए, तीन तीन हमारे पास बॉलर हो गए भाई, आप सोच सकते हैं कि अच्छा खासा हमारा टीम जाने वाला है, ओके। तो इस प्रकार से आप टीम को ज्वाइन करें भाई, काफी अच्छा विन होने वाला भाई, रवि बिश्नोई अगर खेलते तो आप एडिट करके भाई, यहाँ पे रवि बिश्नोई भी काफी अच्छा जो कि बॉलिंग करते, जहां तक मुझे लग रहा है रवि बिश्नोई खेलने वाले हैं, तो रवि बिश्नोई को आप ले सकते हैं, यहाँ पे एक में मॉर्गन अश्विन को आप माइनस कर सकते हैं। और भाई एक चीज ध्यान रखिए, अपनी स्किल पर भी थोड़ा ध्यान लीजिए, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करता है कि यानी आप सोच रहे हैं कि इस प्रकार से बनाना चाहिए तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बट यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है भाई इसी प्रकार का मैच होने वाला और यही सारी टीम मैं खुद मैनेज करने वाला, और ये मेरी फाइनल टीम है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। होप वीडियोस पसंद है तो लाइक करें भाई, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेस करते हैं, जैसे कि रोक लगे वीडियोज आपको मिल जाए और आप अच्छे अच्छे टीमें बना करके विन कर पाए अच्छा खासा। तो मिलते हैं।